हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप देख रहे हैं स्वर आलय म्यूजिक। आज मैं आपको राग अलहिया बिलावल, बहुत ही एक अच्छा राग है, इसके बारे में चर्चा करूंगा। इसके आरोह अवरोह, पकड़, वादी संवादि स्वर यानी राग के ऊपर बताऊंगा आपको संक्षिप्त जानकारी, और इसके पश्चात राग पर आधारित एक धुन बजाना सिखाऊंगा। आप ध्यान पूर्वक सोचे समझे। एक बार राग, यदि आपने राग की पकड़ समझ ली तो आपको धुन बजाना बहुत ही सरल हो जाएगा। कभी भी आप राग अलहिया बिलावल पर धुन बजा सकते हैं, लेकिन इसके बारे में थोड़ा समझना आवश्यक है। मेरा स्केल पहली काली यानी सी शार्प मेजर है, यहीं से मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों, ये जो राग अलहिया बिलावल है, ये बिलावल ठाट से ही उत्पन्न माना जाता है। बिलावल ठाट यानी कि सारे उसमें जो नोट्स हैं शुद्ध लगते हैं। ठाट बिलावल में तो इसको ठाट बिलावल से ही उत्पन्न माना जाता है। राग बिलावल के आरोह में दो धैवतों के बीच कोमल निषाद के प्रयोग से इस राग की रचना हुई। एक्चुअली वैसे ठाट बिलावल में तो कोमल नी नहीं आता, लेकिन इस जो अलहिया बिलावल है उसमें दो धैवतों के बीच में यानी कि कोमल नी का प्रयोग करते हैं हम। मैं आगे चल करके इसी वीडियो में बताऊंगा, यानी दो धैवतों के बीच में कोमल नी का प्रयोग होता है, बस इतना आप समझ लीजिए। इस राग के आरोह में मध्यम वर्जित है और अवरोह में सातों स्वर प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए इसकी जाति साड़ब संपूर्ण। साड़ब मीन्स, साड़ब का मतलब होता है छह और संपूर्ण का मतलब सात। जिस राग के आरोह में छह स्वर लगते हैं और अवरोह में सातों स्वर प्रयोग किए जाते हैं उसको साड़ब संपूर्ण राग कहा जाता है। इस राग का जो वादी स्वर है धैवत है और संवादी स्वर है गंधार है। इस राग का जो गायन समय है दिन का दूसरा प्रहर। अब एक बार इसके आरोह अवरोह और पकड़ देखें। आरोह सा रे ग रे ग प ध नी सा सा नी द प ध नी ध प म ग म रे सा। आपने देखा होगा जो मैंने बताया था कोमल नी का प्रयोग कैसे करते हैं इस राग में। बस ये चीजें ऐसी बारीकियां होती हैं, इन चीजों को आप समझना चाहिए तो राग का आप चलन समझ गए, समझ लीजिए। जैसे हमने आरोह किया था सा रे ग रे ग प ध नी सा, अब अवरोह देखें सा नी ध प सा नी धा पा सा नी धा पा धा नी धा पा सा नी धा पा धा नी धा पा। अब कोमल नी का प्रयोग हो गया देवताओं के बीच में सा नी धा पा धा नी धा पा म ग म रे सा। ये राग के आरोह और अवरोह हुए। मैं उम्मीद करता हूं समझ में आ गए होंगे, और उसके बाद हम पकड़ देखें
मागा मारे। ये फ्रेज कभी भी आपको दिखाई पड़ता है या सुनाई पड़ता है, मागा मारे ग प ध नि स। ये तीन फ्रेज हैं, मागा मारे ग प ध नि स, ये राग की पकड़ है। अब मैं राग के ऊपर जो धुन है, क्योंकि आप राग को बजाना भी तो आना चाहिए, तो आपको जब चलन पता लग जाएगा तो आप राग को आराम से बजा सकते हैं। मान लीजिए इसी राग पर आधारित आप कोई भजन गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, गजल गा रहे हैं, तो उसके बीच में आप म्यूजिक बीच का कैसे बजाएंगे, उसका आलाप कैसे गाएंगे, आलाप कैसे करेंगे। इसलिए ये राग का चलन जानना बहुत आवश्यक होता है। सातों स्वर तो बजाने से, सिंपल में आरोह अवरोह बजाने से राग नहीं बन जाता है, राग चलन के अनुसार बनता है, क्योंकि कई ऐसे राग हैं उनमें दोनों में स्वर एक जैसे लगते हैं, लेकिन चलन दोनों का फर्क होता है, अलग अलग होता है, इसलिए वो राग की पकड़ बोलते हैं। आइए धुन सुनाता हूँ ताल कहरवा पर, जिसका जो ताल कहरवा बजा रहा हूं मैं उसका टेम्पो 160 BPM है। संक्षिप्त में ये धुन बजाया है। ये राग हलैया बिलावल पर आधारित धुन है और ताल कहरवा ताल पर मैंने इसको बजाया है। अब मैं इस धुन को बजाना सिखाऊंगा आपको कैसे बजाया। मैंने इसको दो भागों में बांट रखा है और जैसे आपको राग की पकड़ बताई, राग का चलन बताया, उसी अनुसार ये धुन है। पहला फ्रेज देखें, सा ग रे ग सा रे ग प म ग म रे सा, सा के ऊपर तीन मात्रा लास्ट में ठहरा हुआ है, सा ग रे ग सा रे ग प म ग म रे सा। इस फ्रेज को दो बार बजाइएगा, सा ग रे ग सा रे ग प म ग म रे सा, सा के ऊपर तीन मात्रा का ठहराव। ये तो आपका पहला फ्रेज हो गया। दूसरा फ्रेज, म ग म रे ग प द नि स नि द प द नि द प म ग म रे सा। दूसरा फ्रेज कैसे बजाया, म ग म रे ग प द नि स नि द प द नि द प म ग म रे सा। मैंने इसमें दोनों का, दूसरे जो फ्रेज बता रहा हूं उसमें दोनों निषाद का प्रयोग किया। कैसे, पहले बजाया म ग म रे ग प ध नि शुद्ध नि आया, उसके बाद स नि द प अभी भी शुद्ध नि आया, उसके बाद ध नि ध प अब कोमल नि आया, ध नि ध प म ग म रे सा। सा के ऊपर फिर मैंने तीन मात्रा बढ़ा करके पॉज किया है। तो दूसरा फ्रेज को भी दो बार बजाना, पहले फ्रेज को भी दो बार बजाना, दो
दोनों फ्रेज देखें। बहुत ही मेलोडियस धुन है दोस्तों, बहुत ही सुंदर धुन है। इसको आप इस तरीके से आप बजा सकते हैं और आपका जो भी कार्यक्रम है मंच पर बजाएं, भजन मंडली में बजाएं, कहीं पर भी आप बजा सकते हैं। और इस धुन को यदि आपने सीख लिया तो आप जाहिर सी बात है कि इस गीत पर आधारित, इस राग पर आधारित कोई भजन गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, तो उसके बीच में ये आप गैप को फिल अप करने के लिए ये सरगम बजा सकते हैं, ये म्यूजिक फ्रेज उसमें एडजस्ट कर सकते हैं। तो आपका कार्यक्रम जमेगा और आपके वादन कला में एक सुंदरता आएगी। दोस्तों ये वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जब कभी भी आप मुझे स्पेशल बहुत ही आपको कोई मेरा वीडियो दिल को छू जाता है तो आप बस सुपर थैंक्स बटन जो वीडियो के नीचे आपको दिखता होगा उसके जरिए मुझे सुपर थैंक्स करें, क्योंकि नॉर्मल थैंक्स तो हर कोई करता है लेकिन सुपर थैंक्स सुपर बहुत आवश्यक है। दोस्तों बस इसी के साथ मैं अपना ये ट्यूटोरियल फिनिश करता हूँ। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।